अगर मुसलमान है तो उसको सेकंड मैरिज अलाउड है, लेकिन फिर वो भी नहीं करता, कोई किसी लड़के को अपनी लड़की देगा जिसपे ऑलरेडी केस चल रहा है, अगर जेल चला गया तो हु विल टेक द रिस्क, कौन रिस्क लेगा? तो आइए उन बाबरकत निकाह को कैसे बनाए, वो जिंदगी कैसे हम हासिल करें जिस जिंदगी में इंशाल्लाह हम शादी करने के बाद हमारा दीन भी मुकम्मल हो, खुशियां दुगनी हो जाए, खानदान बढ़ता चला जाए, ये बच्चे आने वाले जो है दौर में हमारे लिए दुनिया के अंदर आंखों की ठंडक बने, हमारे मरने के बाद सवाब जारिया बने, और एक खुशहाल जिंदगी, एक खुशहाल फैमिली लाइफ हम कैसे जिए, उसके लिए हमको और आपको सिलेक्शन में इस्लामिक क्राइटेरिया को मलहूज रखना होगा, याद रखिए, और अपने बनाए हुए सारे कल्चरल रस्मी इलाकाई खानदानी रस्म और रिवाज को तोड़कर लांघकर पैरों तले कुचलकर आगे निकलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे आधा दीन कभी भी हम शरीयत के मुताबिक मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लिख के रख लीजिए।